हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड ऑल्सो द आसाम एंड सेंट्रल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि दिस ईयर यू हैव टू सिक्योर वन सीट फॉर यू इन एनी ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो टूडेज वीडियो इज फॉर ऑयल इंडिया लिमिटेड 421 वर्क पर्सन वैकेंसी एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स ट्रेड क्वेश्चंस। सो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेके आइए। सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ मैं एंड इट विल बी द PYQ क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट ITI रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर आप MMB ट्रेड से है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इन क्वेश्चन से और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आते ही रहेगा साथ ही साथ। ये आपका पार्ट 4 है, इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट्स दिया है ऑफ डिफरेंट ट्रेड, तो आप जाके सारा वीडियोस देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और इसी के साथ फिर नेक्स्ट में आपका जो ट्रेड का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए लेके आते रहूंगा, लेकिन पार्ट इसी तरह आपका चलता रहेगा पार्ट 5 पार्ट 6 एंड सो ऑन। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन जो आपको फोटो में दिया हुआ है, ड्रिलिंग, टेपिंग, डाइंग या फिर रीमिंग? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, रीमिंग इज योर करेक्ट आंसर। ये फिगर आपको दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत बार इस फिगर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एंड ऑल्सो द पार्ट्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिलेक्शन ऑफ ए टेप ड्रिल साइज, मेजर डाया प्लस पिच, मेजर डाया इनटू पिच, मेजर डाया डिवाइडेड बाय पिच और मेजर डाया माइनस पिच। सो मेजर डाया माइनस पिच विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ लाइट्स प्रोवाइड मैक्सिमम ब्राइटनेस इन ए शॉर्टर टाइम? सो नियॉन लाइट, हेलोजन लाइट, LED लाइट या फिर LCD लाइट? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, LED लाइट। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ड्रिल इज फिटेड ऑन द मशीन? सो पॉइंट, फ्लूट, सेंक या फिर बॉडी? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, सेंक इज द पार्ट। नेक्स्ट है आपका, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड इन व्हीकल सर्विस स्टेशन टू लीव द व्हीकल फॉर वाटर वॉश? सो होस्ट, क्रेन, स्टैंड या फिर स्क्रू जैक? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, होस्ट। नेक्स्ट है आपका, वेयर द गैस टर्बाइन आर यूज्ड? गैस टर्बाइन का यूज कहां हम लोग करते हैं? तो कार में, लाइट मोटर व्हीकल्स, टू व्हीलर या फिर एयरक्राफ्ट में? द करेक्ट आंसर विल बी एयरक्राफ्ट में आपका गैस टर्बाइन का यूज होता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी एडॉप्टेड इन हैंडलिंग डीजल मशीन? यूज करेक्ट विस्कोसिटी ऑयल, रिमूव सेफगार्ड ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स, यूज ऑयल ग्रीसी हैंड टू रिपेयर वर्क, यूज डीजल इंजन विथ लूज माउंटेनिंग। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिमूव सेफगार्ड्स ऑफ रोटेटिंग पार्ट। नेक्स्ट है, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन? बाय प्लंगर, बाय कंट्रोल स्लीव, बाय कंट्रोल रेक या फिर बाय इंजेक्शन? सो आपका जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल है डिलीवरी के टाइम में कोई भी रनिंग डीजल इंजन का, हम लोग बाय कंट्रोल रेक से आपका वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, हाउ मच प्रेशर डेवलप द CRDI डीजल इंजन पंप? सो 100 to 200 bar, 200 to 600 bar, 600 to 1000 bar और 1000 to 1600 bar? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, 1000 to 1600 bar। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइन? ये जो साइन आपको दिया हुआ है इसका क्या नाम है? सो रोड वाइडन, नैरो रोड, गैप इन मीडियन, नैरो ब्रिज? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, नैरो ब्रिज इज योर करेक्ट आंसर। कहीं कहीं आपका एहेड नैरो ब्रिज भी इसे कहा जाता है। विच फ्यूल इज रिलेटेड विद सीटन नंबर? सीटन नंबर से कौन सा फ्यूल रिलेटेड होता है? तो ऑप्शन है आपका पेट्रोल, डीजल, कोल या फिर किरोसिन? द करेक्ट आंसर विल बी पेट्रोल, पेट्रोल इज रिलेटेड विद द सीटन नंबर। नेक्स्ट आपका, विच टूल इज यूज टू रिमूव बल्ब? बल्ब को हटाने के लिए कौन सा टूल का यूज करते हैं? वाल्व, स्प्रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग एक्सपांडर या पिस्टन रिंग ग्रोवर? द करेक्ट आंसर विल बी वाल्व, स्प्रिंग कंप्रेसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्रायन फॉर EGR इन इमिशन कंट्रोल सिस्टम? मतलब इसका आपको फुल फॉर्म पूछा है डायरेक्ट, इंजिन गैस रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट गेट रेगुलेटर या इमिशन गैस रिसर्कुलेशन? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक रन आउट ऑफ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर का अगर रन आउट चेक करना है तो किसका यूज होता है? ग्लोवर का, मल्टीमीटर का, डायल गज का या फिर वर्नियर कैलिपर का? द करेक्ट आंसर विल बी डायल गज। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव? जो ड्राइव आपको दिया हुआ है उसका नाम क्या है? होचकिस ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव या फिर टॉर्क ट्यूब ड्राइव? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, HD, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनता है होचकिस ड्राइव। होचकिस ड्राइव इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका, विच स्पेनर यूज फॉर जीरो सेटिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? हुक स्पेनर, रिंग स्पेनर,
डबल एंड स्पेनर या फिर एडजस्टेबल स्पेनर, द करेक्ट आंसर विल बी हुक्स स्पेनर। आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द बीवेल्ड ग्रेजुएटेड स्लीव ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनविल, बैरल, स्पिंडल या फिर थिम्बल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, इसे हम लोग थिम्बल कहते हैं, थिम्बल के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट है विच गोज इज यूज टू चेक द इन्फ्लेमेशन ऑफ टायर, इन्फ्लेमेशन टायर का चेक करने के लिए किस गोज का यूज करते हैं, वायर गोज, फिलर गोज, वैक्यूम गोज या फिर प्रेशर गोज, तो इसके लिए हम लोग प्रेशर गोज का यूज करते हैं टू चेक द इन्फ्लेमेशन ऑफ ए टायर। व्हाट इज द यूज ऑफ कॉर्नरिंग लाइट इन ए व्हीकल, तो क्या यूज होता है कॉर्नरिंग करने का लाइट को व्हीकल में, किसी भी व्हीकल में, हाईलाइट द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग बेंड, इंडिकेट ट्रैफिक बिहाइंड व्हीकल्स, प्रोवाइड इंटीरियर इल्यूमिनेशन या फिर आपका नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी इट्स हाईलाइट्स द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग बेंड। आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ डिवाइस, और यहाँ पे मैंने डिवाइस का फोटो देना ही भूल गया इमेज, तो आपको इन चारों डिवाइस का एक बार आपको इमेज देख लेना है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में आपको अलग अलग तरीके का इमेज दे देगा और आपसे पूछता है कि ये कौन से टाइप का डिवाइस है, तो आपको चार तरीके का इमेज आपको देख लेना है और अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। इफ यू आर एन MMBA स्टूडेंट, मतलब अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ट्रेड से है, तो कंडेंसर का, अल्टरनेटर का, डिस्ट्रीब्यूटर का और इग्निशन कोयल, चारों का इमेज आपको पता होना चाहिए किस तरीके का होता है। यहाँ पे मैंने इमेज देना भूल गया, तो आपको चारों का इमेज पता होना चाहिए। आपका व्हाट इज द टाइप ऑफ जॉइंट, ये जॉइंट किस टाइप का है, डबल जॉइंट है, स्लिप जॉइंट है, क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट है या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी क्रॉस टाइप यूनिवर्सल जॉइंट। आपको विच टाइप ऑफ गियर टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द गियर एक्सिस, सो बीवल गियर, वर्म गियर, स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्पर गियर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका स्ट्रेट एंड पैरेलल होता है ये गियर एक्सिस के, जिसका गियर टीथ जो होता है इसका वो स्ट्रेट और पैरेलल होता है गियर एक्सिस के। आपका व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोइल स्प्रिंग, कोइल स्प्रिंग का एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड ग्रेट पेलोड, लो स्पेस रिक्वायरमेंट, गुड लोड कैरिंग कैपेसिटी, हाई स्टेयरिंग एंड स्टेबिलिटी, तो ये आपका लो स्पेस लेता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा आपका यूजफुल होता है। आपका व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट, तो स्ट्रेट एज एंड स्लिप गोज, स्ट्रेट एज एंड फिलर गोज, पैरेलल ब्लॉक एंड रेडियस गोज या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी स्ट्रेट एज एंड फिलर गोज। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, अगर आप ADR या फिर असम पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और आप इस चैनल पे नए हो, तो आपको मुझे एक चीज बताना है कि प्रीवियस जो ADR था वो मैंने क्लियर किया है, और इस एग्जाम का मुझे जितना आइडिया है उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट दे रहा हूँ मेरे चैनल पे, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके लिए फॉर बोथ असम पुलिस एंड ऑल्सो फॉर द असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, और अभी APSC के लिए भी रिसेंटली मैंने प्रीलिम्स का पार्ट चालू किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने ये एग्जाम निकाला है, तो इस एग्जाम का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है, तो जितना हो सकेगा मैं अपने तरफ से आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आप एक्वायर कीजिए और इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बाकी मेरा कंटेंट्स में से मैं आपको सियोरिटी दे सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग, ट्रांसवर स्प्रिंग, क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग, फुल एलिप्टिकल स्प्रिंग या सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग, तो यहाँ पे भी आपका लीफ स्प्रिंग का जो पार्ट था क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग का यहाँ पे इमेज देना था मुझे। मुझे स्लाइड बनाने में थोड़ा बहुत जल्दी में मैंने स्लाइड बनाया, तो आपका यहाँ पे भी इमेज एक मिस हुआ है, लेकिन इमेज मिस हुआ है तो एक अच्छा चीज आपके लिए ये है कि आपको चार तरीके का ये जो स्प्रिंग है लीफ स्प्रिंग का वो आपको चारों पता चल गया, और चारों का इमेज आपको देख लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो आप यहाँ से उसे आंसर कर सके, तो ये चारों का इमेज आपको पता होना चाहिए। सो इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में इन ITI ट्रेड, तो ये चारों का इमेज आपको पता होना चाहिए, तो ये चारों का इमेज आपको एक बार देख लेना है गूगल करके, ट्रांसवर्स स्प्रिंग का, क्वार्टर इलेप्टिकल स्प्रिंग का, फुल इलेप्टिकल स्प्रिंग और सेमी इलेप्टिकल स्प्रिंग का। आपका विच पार्ट ऑफ द इग्निशन सिस्टम कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट प्राइमरी सर्किट, कॉन्टेक्ट ब्रेकर, कंडेंसर, इग्निशन कोयल या नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर विल बी कॉन्टेक्ट ब्रेकर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडेंसर इन द इग्निशन सिस्टम, इंसुलेट स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड, प्रिवेंट आर्क एट द पॉइंट, ओपन एंड क्लोज प्राइमरी सर्किट या नॉन ऑफ दिस। सो ये प्रिवेंट करता है आपका आर्क्स एट द पॉइंट। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ LED, LED का एक्सपांशन आपसे पूछा है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है आपसे, लिमिटेड इलेक्ट्रिकल डाटा,
लाइट इलेक्ट्रॉनिक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड या फिर लॉन्ग इलेक्ट्रिकल डायोड, द करेक्ट आंसर विल बी लाइट इमिटिंग डायोड। विच टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, तो सीरीज टाइप का यूज करते हैं हम, पैरेलल टाइप का, कंपाउंड टाइप का या फिर सन टाइप का, द करेक्ट आंसर विल बी सीरीज टाइप का आपका डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज होता है आपका ऑटोमोबाइल्स में। आपका विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ ओवर रनिंग क्लच इन द स्टार्टिंग सिस्टम, सो क्या फंक्शन होता है इसका, वट इज द फंक्शन, फंक्शन आपसे पूछा है, प्रिवेंट स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ पिनियन, ड्राइव द एमेचर शाफ्ट, प्रोटेक्ट एमेचर फ्रॉम डैमेज या ऑल ऑफ द अबव, द करेक्ट आंसर विल बी प्रोटेक्ट आर्मेचर फ्रॉम डैमेज। सो मैंने जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया सारे असम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो कि ADR और असम पुलिस का था, तो जितने भी असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका जितना भी न्यू प्लेलिस्ट है सब मैंने आपको आई बटन में प्लेस कर दिया है। साथ ही साथ प्रीवियसली जब ADR एग्जाम मैंने क्लियर किया था तो ADR एग्जाम का जितना भी मैंने नोट्स बनाया था उससे मैं वीडियो बना रहा था साथ ही साथ, तो मेरे नोट्स का जितना भी वीडियो है जो कि वो पुराना वीडियो हो सकता है बट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है आपके लिए क्योंकि वही नोट्स पढ़ के मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है, तो उसका सारा का सारा लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो नीचे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट में दे रहा हूँ, सॉरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ ताकि सबको इसको एक्सेस कर सके और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर। सो आपको ये सारा कंटेंट एक्सेस कर लेना है और ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए जितना प्लेलिस्ट आप देखते रहिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इस चैनल में। थैंक यू गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गो टू द आई बटन एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज वहां पे आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा प्लेलिस्ट ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड ऑल्सो फॉर आसाम एग्जाम्स आपको दिया हुआ है। और स्क्रीन में आपको जो ऑयल जीके का पार्ट दिख रहा है वो प्लीज देख लीजिए क्योंकि बहुत नया वीडियो है अभी का वो, और वहां से क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, और साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रहा हूँ ऑयल इंडिया लिमिटेड जीके के लिए।